फरुखाबाद के विकासखंड कमालगंज के गांव राजेपुर में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिससे अब जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 18 हो गई है। कोरोना की रिपोर्ट में 5 और पॉजिटिव निकलने से जनपद में हड़कंप मच गया, जिसमें से एक महिला की भी पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। सभी को उपचार के लिए भेजा गया है। विकासखंड कमालगंज के गांव राजेपुर सराय मैदान में पूर्व में 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। रविवार को देर शाम आई रिपोर्ट में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इसके साथ ही राजेपुर सराय मैदान में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई है, जबकि यहाँ के गांव गंगाईच में 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 18 हो गई है। पूर्व में 13 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इससे पूर्व फर्रुखाबाद शहर में 3, शमशाबाद में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुका है। जनपद में लगातार प्रवासी मजदूरों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से जिले के अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। जिले में नए मिले 5 कोरोना संक्रमित मरीजों को इटावा भेजा गया है। इस संदर्भ में जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जानकारी दी। हमारे यहाँ अब 18 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कल 5 लोग की मुंबई से आए हुए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। और ये हमारा एक पहले का ही कंटेनमेंट जोन राजेपुर सराय मैदान है, उसी कंटेनमेंट जोन से लोग हैं। और फिलहाल हमारे जनपद में 4 कंटेनमेंट जोन है। सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन हमारे राजेपुर सराय में, लेकिन ये सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और इसमें एक को छोड़कर 17 लोग मुंबई से आए हुए हैं। एक गाँव में जो है कम्युनिटी स्प्रेड का तो नहीं अभी मसला को सामने आ रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड उसको बोलते हैं जब अगर किसी सोर्स के अचानक लोग बाग निकल के आ जाएं, कंटेमिनेटेड आ जाएं। मैंने आपको बताया कि सभी लोग 18 के 18 लोग यात्री हैं और वो यात्रा करके आए हैं। एक दो मामलों में कॉन्टैक्ट का की बात आ रही है कि इन्हीं की पत्नी या इनके सगे संबंधी कॉन्टैक्ट से हुआ है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि ये लोग भी पीछे से ही मुंबई से इनके साथ ही आए हैं।